हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? विद्या केमी के यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत बहुत वेलकम है। जैसे कि आपको पता ही है कि हम एक 15 मिनट का सेशन लेते हैं और वो 15 मिनट आपको शायद आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो प्लीज़ इस 15 मिनट के सेशन को ज़रूर लीजिएगा। और अभी तक जिसने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपके पास डेली नोटिफिकेशंस पहुंच जाए क्लासरूम की, और आपको बिना किसी टेंशन के आपके पास डायरेक्टली जब चीज़ें जाएंगी तो आपको कुछ नहीं करना, ना कुछ सोचना। आपके पास एक लिंक आएगा, नोटिफिकेशन आएगी, जस्ट क्लिक करिए और 15 मिनट का सेशन को इंजॉय करिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ। जो हमारा पहला वर्ड है सेम्बलेंस, हम अपने पहले वर्ड की तरफ चलते हैं। ये वर्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड है। अगर आपने कभी पेपर देखा होगा तो ये वर्ड काफ़ी जगह पर देखने को मिला है। कोई भी कॉम्प्रिहेंशन हो, क्लोज टेस्ट हो, काफ़ी जगह मिला है। ठीक है, अब इसका मीनिंग देख लेते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, देखो, अगर सेम्बलेंस की कभी बात हो तो आप उसको ऐसे लीजिएगा कि सेम्बलेंस का मतलब होता है सिमिलर, है ना। सिमिलर का मतलब होता है समान, तो सेम्बलेंस का मतलब भी क्या हो जाएगा कि समानता किसी चीज़ में। ठीक है, सेम्बलेंस को आप लिंक करना सिमिलर से, और सिमिलर का मतलब भी क्या होता है, समान, एक समान, यू कैन से। ठीक है, एक समान। तो यहां पर भी क्या बात करेंगे हम, समानता की। कोई भी चीज जो दिखने में सेम लगे आपको, सिमिलर का मतलब सेम होता है ना, यहां पर सेम भी लिख सकते हैं आप। तीन वर्ड आप एक साथ मेंशन कर सकते हैं कि सेम्बलेंस हो, सिमिलर हो या फिर सेम हो, तीनों चीज का मतलब होता है कोई भी जो चीज सेम सेम दिख रही है आपको, बिना किसी डिफरेंस के, कोई चेंज नहीं हो, तो उसको हम सेम्बलेंस बोलेंगे, सिमिलर बोलेंगे या फिर सेम बोलेंगे। तो याद रखिएगा, सेम्बलेंस एक ऐसा वर्ड जो बताता है कि कोई भी चीज़ सेम है, अलग नहीं है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट वर्ड, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा गया है पेपर में। नेक्स्ट नंबर लेके चलते हैं हम। नेक्स्ट नंबर है आपका सेकेंड, और वो है कैलिब्रेट। कैलिब्रेट में देखना, कैलिब्रेट का मतलब क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर चीज की जानकारी लेना। ठीक है, किसी भी चीज की जांच करना, किसी का भी ट्रीटमेंट करना, कोई भी पर्टिकुलर चीज को ट्रीट करना, दैट इज आल्सो कैलिब्रेट। कैलिब्रेट देखो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है मार्क अ गॉज और इंस्ट्रूमेंट विद अ स्टैंडर्ड स्केल ऑफ रीडिंग्स। जैसे सपोज करो कि आपको वेट करना है, तो वेट मशीन लेके आते हैं, तो हर एक बंदा वेट करने के लिए वेट मशीन ही लेकर आता है, उसी को स्टैंडर्ड मशीन समझता है अपना वेट मेजर करने के लिए। तो जहां पर कोई भी एक ऐसी स्टैंडर्ड चीज यूज होती है, जनरल यूज, जैसे कि मुझे अगर वेट करना हो तो मैं भी वही लेकर आऊंगी, आपको करना है तो आप भी, या फिर दूसरी कंट्री के लोग हैं वो भी सेम ही काम करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या दिया हुआ है उसने, अ स्टैंडर्ड स्केल ऑफ रीडिंग्स, मतलब एक स्टैंडर्ड स्केल की बात कर रहा है जो कि पर्टिकुलर पर्सन के लिए सेम है, हर एक पर्सन के लिए सेम है, तो उसको बोलेंगे कैलिब्रेट करना, उसके पर्टिकुलर टाइप से उसकी जांच करना कि क्या वो सही है। अगर वो सही है तो वो मेजॉरिटी के लिए काम करेगी, अदरवाइज काम नहीं करेगी। जैसे सपोज करिए हाइट की बात करें तो हम फीट, सेंटीमीटर्स, इंचेस ऐसे में बात करते हैं, तो सारे लोग ही सेम बात करेंगे। ठीक है ना, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट स्केल होगा जिससे कि मेरी हाइट, सबकी हाइट, किसी की भी हाइट, कोई भी कंट्री के किसी भी कोने में जो हाइट मेजर कर रहा होगा वो वही स्टैंडर्ड स्केल यूज करेगा, तो उसको हम बोलेंगे कैलिब्रेट। तो ये हुआ आपका कैलिब्रेट, जिसका मीनिंग होता है जांच करना। नेक्स्ट देखो थर्ड नंबर, फ्लैम्बोयंट। फ्लैम्बोयंट का मतलब होता है समथिंग हु लुक्स गुड, है ना। समथिंग मीन्स कोई भी ऐसी चीज जो आपको अच्छी दिख रही हो देखने में, दैट इज फ्लैम्बोयंट। जैसे कि इसका मीनिंग लिखा हुआ है चमकीला। जब भी हम कोई शाइनी चीज देखते हैं तो हमें थोड़ा सा अच्छा फील होता है ना। क्यों? क्योंकि वो जो चमक धमक होती है ना, उससे हमें फीलिंग ही दूसरे वाली आ जाती है। ठीक है, तो जो फीलिंग की बात करेंगे दैट इज चमकीला एंड दैट इज फ्लैम्बोयंट। जब कोई भी चीज
आपको दिखने में अच्छी लग रही है, या फिर कोई भी पर्सन जिसने वो कुछ वियर किया हुआ है, या फिर वो पर्सन उस टाइप का है जिससे अच्छी फीलिंग आ रही है, तो हम उसको बोलेंगे फ्लैम्बोयंट एंड दैट इज चमकीला। देखो डेफिनेशन क्या बोल रही है, ऑफ अ पर्सन और देयर बिहेवियर टेंडिंग टू अट्रैक्ट अटेंशन बिकॉज ऑफ देयर एग्जिबिटेंस कॉन्फिडेंस एंड स्टाइलिशनेस। मतलब जो पर्टिकुलर पर्सन का जो गेस्चर है वो, कि वो कैसे बात करता है, कहाँ हैंड यूज करता है, कहाँ हैंड यूज नहीं करता, उसका स्टाइल जो है, क्योंकि सबका अलग अलग होता है, ठीक है, और उसका कॉन्फिडेंस, वो सारी चीज़ें जब आपको अट्रैक्ट करेंगी किसी भी पर्सन की, किसी भी चीज़ की, या फिर तो उसको बोलेंगे हम फ्लैम्बोयंट। और फ्लैम्बोयंट का मीनिंग होता है पर्टिकुलरली कोई भी एक ऐसी चीज़ जो आपको देखने में अच्छी लगे, ठीक है। और अगर डेफिनेशन पे जाएंगे, दैट इज समथिंग विच गिव्स यू कॉन्फिडेंस, समथिंग विच गिव्स यू स्टाइलिशनेस, और समथिंग विच गिव्स यू एग्जिबिटेंस, दैट इज फ्लैम्बोयंट। देखो पैराफ्रेज दिया हुआ है, नेक्स्ट वर्ड है पैराफ्रेज। पैराफ्रेज का मतलब क्या होता है, ऐसे समझना जैसे पैराग्राफ होता है ना, तो पैराग्राफ जब हमें दिया होता है, तो पैराग्राफ जब हम पढ़ते हैं तो हमें चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होती हैं, तो पैराफ्रेज का मतलब भी यही होता है, फ्रेज का मतलब भी सेंटेंस होता है, ठीक है। तो पैराफ्रेज का मतलब हुआ कि पर्टिकुलर पैराग्राफ जो कि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा है, या फिर एक्स्ट्रा कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहा है जिससे कि आपके लिए उस पैराग्राफ की क्लैरिटी बढ़ रही है। सपोज करिए कोई भी ऐसा पैरा है जो फिर छोटा सा है, 3 से 4 लाइन का, ठीक है, 3 से 4 लाइन में शायद आपको क्लैरिटी नहीं आएगी कि जो जो उसका राइटर है या फिर जो पर्टिकुलर ने पैराग्राफ बनाया है वो बोलना क्या चाह रहा है। वही अगर वो क्या कर दे, 10 to 12 लाइन कर दे, तो शायद आपको क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि 3 से 4 लाइन में उतना समझ में नहीं आता है। 10 से 12 लाइन होगी तो क्लैरिटी आनी शुरू होगी। जब आपको किसी पैराग्राफ की या किसी भी रिटन स्टेटमेंट की क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है किसी पैराग्राफ से, दैट इज पैराफ्रेज। इसको याद करना, पैराग्राफ से, कि जब आपके पास किसी भी चीज़ का पैराग्राफ होता है तो आपको क्लैरिटी ज़्यादा आती है, इंस्टीड ऑफ जब आपके पास सिंगल लाइन होती है। किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की अगर आपके पास सिंगल लाइन होगी तो क्लैरिटी कम होगी, सभी की बात है, ठीक है। बट अगर उसी पे आप 4, 5, 10 लाइन, 20 लाइन, 50 लाइन ऐसे लिख देंगे तो जो दूसरा बंदा पढ़ेगा उसको क्लैरिटी ज़्यादा आएगी। तो जैसे हमें पैराग्राफ देख के क्लैरिटी आती है, वैसे ही हमारे पास पैराफ्रेज में भी क्लैरिटी होगी। दैट इज संक्षिप्त व्याख्या, मतलब एक मेजरली जो क्लैरिफिकेशन दी है वो आपकी हो जाएगी पैराफ्रेज। ये 4 वर्ड हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। पैराफ्रेज तो ज्यादा देखा नहीं गया है, फ्लैम्बोयंट कई बार देखा गया है, याद रखना फ्लैम्बोयंट को कई बार पूछा गया है, फ्लैम्बोयंट अब आप बोलेंगे नहीं वैसे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है द प्लेस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिक पीपल। सिक पीपल जो बीमार लोग होते हैं उनके ट्रीटमेंट का जो प्लेस होता है दैट इज हॉस्पिटल। सबको बताइए, तो बहुत जनरल सा है। कभी कभी पेपर बनाने में ऐसा किया जाता है, कुछ चीज़ें हार्ड दी जाती हैं तो कुछ चीज़ें ईजी दी जाती हैं, तो ये ईजीएस्ट पार्ट है किसी भी पेपर का, और ये पेपर का कलेक्शन ही है, शायद आगे पूछा जाएगा, ठीक है। जहाँ पर सिख लोगों का ट्रीटमेंट होता है वो जगह आपकी हॉस्पिटल होती है। आप देखो जहाँ पर हॉर्सेस को रखा जाता है, हाउस्ड का मतलब है वो रहते हैं, रखे जाते हैं, दैट इज स्टेबल। हॉर्सेस का जो घर होता है दैट इज स्टेबल, अस्तबल बोलते हैं हिंदी में उसको, लेकिन अगर आप बोलेंगे इंग्लिश में दैट इज स्टेबल, STABLE, अदरवाइज हिंदी में यू कैन से अस्तबल। कई बार मूवीज में आपने सुना होगा, मूवीज में घोड़ों का काम होता है, घोड़े यूज होते हैं, तो वहां पर स्टेबल होता है या फिर अस्तबल बोलते हैं, ठीक है ना। तो घोड़े जहां पर रहते हैं, घोड़ों के घर को हम बोलते हैं स्टेबल। जहां पर सिक पीपल का ट्रीटमेंट होता है दैट इज हॉस्पिटल। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट बोल रहा है पॉलीएंड्रीज। आपको पता है
कि जब मैं आपको मिसस्पेल्ड वर्ड्स करवाती हूँ तो मैंने आपको कई बार हिंट दिया है कि आपको एक बार पहला वर्ड चेक करना है, उसके बाद चेक करना है कि वो बोलना क्या चाह रहा है। देखो पॉली में पॉली ठीक है, पॉली ठीक है, पॉली ठीक है, पॉली एंड्रीज, कभी आपने ऐसे देखा है पॉली एंड्रीज में ई आ जाए गलत हो गया, पॉली एंड्रीज में आई आए गलत हो गया, पॉली एंड्रीज में ए आता है बट इरीज नहीं होता इसलिए गलत हो गया। आंसर कौन सा सही होगा? डी, पॉली एंड्रीज। पॉली एंड्रीज मतलब ए एन डी, पॉली एंड, पॉली एंड में ए एन तो आना चाहिए, ए एन किस में नहीं आया, ना इसमें आया ना इसमें आया, इसमें आया बी और डी में। चॉइसेस तो देगा ना वो आपको, तो जिस टाइप की चॉइसेस देगा वैसी ही आपको चॉइस लगानी भी होगी। पॉली एन यहाँ पर आया, पॉली एन यहाँ पर आया, ड्रीज ड्रीज ये है ड्रिस ड्रिस, और ड्रीज क्या होगा ये पॉली एंड्रीज, एक से ज्यादा बीवियां, दैट इज पॉली एंड्रीज। काफी बार पूछा गया है। कारकस, दिस इज कारकस, कर्कस पॉसिबल नहीं है, कर्कस पॉसिबल नहीं है, कारकस पॉसिबल है, ठीक है। अब देखना कारकस, ए डबल एस इसमें लगाया, ए डबल एस इसमें लगाया, तो ये तो पूरी तरह गलत हो गया, ये होता नहीं है, ये होता नहीं है, आंसर कौन सा बचाइए। चीज़ों को आपको मैक्सिममली हटाना है पहले, जब तक आप चीज़ें हटाएंगे नहीं गलत तब तक आप सही तक पहुंचेंगे नहीं, ठीक है। तो जब तक आप जितने भी ऑप्शंस आपको गलत लग रहे हैं, जो कि गलत होंगे पक्का, जब आप उनकी सॉलिड प्रूफ देंगे कि हाँ ऐसा नहीं होता, सी ई आर नहीं होता या सी आर ई कभी नहीं देखा आपने, तो जाके आप सही वाले पे पहुंच पाएंगे, ठीक है। और सही हो जाएगा इसका डी और इसका भी डी, दोनों डी सही हैं इसके। आगे चलते हैं, आगे देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ओवर द टॉप एंड आउट ऑन अ लिम्ब। देखो ओवर द टॉप का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज करिए कि कोई भी ऐसी चीज है जो आप टॉप लेवल पे कर रहे हैं, है ना, तो टॉप लेवल का मतलब है सुप्रीम लेवल पे आप कर रहे हैं, उससे ज्यादा आप आगे जा नहीं सकते। बट कोई एक ऐसा पर्सन आया जो उसने टॉप लेवल भी क्रॉस कर दिया, ठीक है, सुप्रीमेसी को जो क्रॉस करेगा उसको क्या बोला जाएगा, है ना, सुप्रीमेसी को जो क्रॉस कर जाएगा दैट मीन्स या तो वो कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए, या फिर जो सुप्रीम कर रहा है उसका वो सुप्रीम पॉइंट नहीं है। बट अगर आप क्लियर हैं कि आप सुप्रीम कर रहे हैं तो जो उसके ऊपर कोई भी चीज़ करेगा वो एक्स्ट्रा में होगी, एक्स्ट्रा का मतलब एक्सेसिव होगी, टोटली एक्सेसिव मतलब एक्स्ट्रा, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको एक्स्ट्रा दिखेगी दैट इज ओवर द टॉप। जितना टॉप होना चाहिए, किसी बिल्डिंग का भी टॉप होता है सपोज करिए मैक्सिमम, तो उसके बाद हम कुछ बना नहीं सकते, बट अगर हम उसके बाद भी कुछ बना रहे हैं दैट वी आर क्रॉसिंग आर लिमिट्स, ठीक है, तब जाके हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं और चीज़ें एक्स्ट्रा बना रहे हैं जो कि हम नहीं बना सकते। अगर हम कुछ ऐसा करेंगे दैट इज ओवर द टॉप। नेक्स्ट देखो आउट ऑन अ लिम्ब, देखो इसका मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा काम, कोई ऐसा वर्क जो एक डूअर करे, डूअर मतलब जो काम कर रहा है बट वो रिस्की हो। इसमें होगा क्या, जो डूअर है वो कुछ काम कर रहा है बट वो जो काम है वो पहले से रिस्की है, किसी को पता है कि वो रिस्की है। देखो क्या लिखा हुआ है, रिस्की है समथिंग अदर्स डू नॉट सपोर्ट, कोई ऐसा काम जैसे सपोज करिए मैं कोई ऐसा काम करूँ जो कि रिस्की है तो मेरी फैमिली या मेरे फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, दैट इज आउट ऑफ लिम्ब, मतलब आउट ऑफ एन अप्रोच, जो वहां तक नहीं पहुंच सकता उसके बाद भी अगर आप वही काम कर रहे हैं और कोई आपको नहीं सपोर्ट कर रहा है दैट इज आउट ऑन अ लिम्ब, मीन्स कोई भी ऐसा काम जो शायद आपको सही लग रहा है बट वो कैसा है, वो उनके लिए एक्स्ट्राज में है, वो शायद उस काम को कंसीडर नहीं करते हैं, तो अगर वो काम वो कंसीडर नहीं कर रहे हैं दैट मीन्स वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और वो इस काम को रिस्की मान रहे हैं। तो अगर आप कोई अपना काम कर रहे हैं, कोई भी पर्टिकुलर वर्क,
और वो रिस्की है तो वो हो जाएगा आउट ऑन अ लिम। ये थे आपके कुछ वर्ड मीनिंग्स, कुछ इडम फ्रेज, कुछ स्पेलिंग चेक और कुछ आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो आपके वोकैबुलरी का मेजर पोर्शन है। अगर आप वोकैबुलरी के मेजर पोर्शन को स्किप नहीं करना चाहते और मैक्सिमम मार्क्स चाहते हैं तो इस 15 मिनट के सेशन को ज़रूर देखिएगा हमेशा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और मैं इसमें आपको ये भी बताती हूँ कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं। जिसको भी मैं इंपॉर्टेंट बोलती हूँ दैट मीन्स वो पुराना है और या फिर आने के उसके चांसेस रहेंगे। आपको याद ये रखना है कि इस टाइम को वेस्ट ना करके इस 15 मिनट को आपको अपने पास रखना है। जस्ट कीप दीज 15 मिनट्स विद यू गाइज। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी जितनी भी वोकैबुलरी सेशंस होंगे वो बेकार हो जाएंगे। अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, यूज़ करेंगे तो यूज़ होगा, अदरवाइज तो यूज़ ही नहीं होगा ना। ठीक है, तो 15 मिनट आपके लिए वो वर्थ होंगे अगर कोई भी क्वेश्चन आपका पेपर में फंस गया तो। ठीक है, बस ध्यान रखिएगा कि आपको ये 15 मिनट का सेशन ज़रूर लेना है। हर दिन ये सेशन होता है, टाइमिंग्स, कोई भी क्वेरी है वो सब आपकी सॉल्व हो जाएगी। जस्ट कमेंट करना है, लाइक शेयर करना है। जितना मैक्सिमम लाइक शेयर करेंगे आप, जितना प्रॉफिट आपको है सामने वाले को भी उतना ही होगा और आपको कहीं ना कहीं थैंकफुल बोला जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में जो कि सेम 15 मिनट का होगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।